नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 2017 खत्म होने को है और 2018 शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपको सरकार की ओर से भी नए साल के कुछ तोहफे मिलने जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने देश में 1 जनवरी 2018 से कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे आपको फायदा पहुंचने वाला है। नए साल पर सरकार के ये तोहफे आपकी जिंदगी को और आसान बनाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि नए साल की शुरुआत पर सरकार आपको क्या नए तोहफे देने जा रही है और इनसे आपको कैसे फायदा होगा। 1 जनवरी 2018 से आपको घर बैठे अपनी मोबाइल सिम आधार से लिंक कराने की सुविधा मिलने वाली है। वैसे तो यह सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी पूरी न होने के चलते इसे 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब आप 1 जनवरी से OTP व अन्य जरिए से सिम को घर बैठे आधार से लिंक कर सकेंगे। 1 जनवरी 2018 से डेबिट कार्ड से भुगतान सस्ता होने वाला है, क्योंकि नए साल पर RBI द्वारा जारी नए MDR चार्ज लागू होंगे। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह चार्ज है जो डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर दुकानदार पर लगता है। इसे ग्राहक को नहीं देना होता है, लेकिन कई दुकानदार डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करने वालों से 2% चार्ज लेते हैं। RBI के नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वालों के लिए MDR 0.40% तय किया गया है। वहीं इससे ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए 0.09% है। 20 लाख तक टर्नओवर वालों के लिए प्रति ट्रांजैक्शन MDR 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। वहीं 20 लाख से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MDR प्रति ट्रांजैक्शन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। वहीं सरकार ने 2000 रुपए तक की खरीदारी पर MDR खुद ही वहन करने का फैसला भी किया है। सरकार 1 जनवरी 2018 से 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर सकती है। इससे ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को लेकर आसानी होगी। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC चरणबद्ध तरीके से हॉल मार्किंग लागू कराना और अनिवार्य बनाना चाहती है। इसके लिए उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS को सिफारिशें भी भेजी हैं। हॉल मार्किंग को 3 चरणों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें 22 शहरों में पहले हॉल मार्किंग अनिवार्य की जाएगी। इन शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में 700 शहर और आखिर में देश के बाकी शहरों में इसे लागू किया जाएगा।